Hi everyone, I am Madhuri and welcome back. I hope you all are doing well. So guys, for today's video, मैं आपके साथ मीशो हॉल शेयर करने वाली हूँ. आज मैं आपके साथ कुर्ता सेट्स एंड कुर्तीज के रिव्यू शेयर करूंगी. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना. सो गाइज, नाउ विदाउट एनी फर्दर रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो द फर्स्ट कुर्ती दैट आई हैव दिस वन, इसका पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. सो ये मुझे जस्ट 180 रुपीज की मिली है या 170 की होगी, इससे ज्यादा की नहीं है. सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक, कुछ इस तरह की है. मैं आपको वेयर करके भी दिखाने वाली हूँ, ट्राई ऑन के साथ साथ मैं आपको वेयर करके भी दिखाती जाऊंगी सारे क्लोथ्स कि एक्चुअल में ये लग कैसे रहे हैं. तो ये आपको राउंड नेक लाइन में मिलता है, 2/4 काइंड स्लीव्स है एंड फैब्रिक है पॉलिएस्टर. प्रिंट्स पेड नहीं होंगे क्योंकि पॉलिएस्टर फैब्रिक हमेशा एक जैसा ही रहता है. नाउ मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ, आप चेक कर लो. सो गाइज, यू कैन सी दिस, ये कुर्ता काफी अमेजिंग लगता है. ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी पसंद आया है एंड इसके जो प्रिंट्स है वो कभी फेड नहीं होंगे. इस तरह के कलर्स मुझे काफी पसंद है जो थोड़े लाइट हूँ एंड एकदम चटैक वाले कलर ना हो, उस तरह के कलर्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं आते हैं. सो समर्स में तो स्पेशली इसी तरह के कलर्स पसंद है एंड इनके जो प्रिंट्स हैं वो फेड नहीं होंगे क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये पॉलिएस्टर है. एंड ये कुर्ता मुझे काफी ज्यादा अफोर्डेबल मिला था, आई थिंक 180 या 170 रुपीज के आसपास का हो. प्रिंट्स आप देख ही सकते हो, राउंड नेक लाइन है, 2/4 लीव्स है एंड साइड में आपको ट्राई ऑन भी दिख जाएगा जहां आप चेक कर सकते हो. एंड पॉलिएस्टर फैब्रिक काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, जस्ट ह्यूमिड वेदर में आप इसको नहीं वेयर कर सकते क्योंकि ह्यूमिडिटी से काफी ज्यादा स्वेटिंग क्रिएट होता है. अदरवाइज आप हर सीजन में इसको वेयर कर सकते हो एंड मुझे तो इसके प्रिंट्स एंड सारी चीजें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि एक तो ये अफोर्डेबल भी होता है, ऊपर से आप इसको रफली भी वॉश करते हो तो इसके प्रिंट्स नहीं जाते एंड हमेशा देखने में खिलता ही है. इसके कलर वालर कभी फेड नहीं होते, इसलिए मैं पॉलिएस्टर फैब्रिक के कुर्ताज आपके साथ शेयर करती हूँ. सो इस तरह के कलर्स काफी ज्यादा सूदिंग लगते हैं मुझे एंड मुझे इसी तरह के कलर्स पसंद हैं एंड ऑल्सो समर्स में तो काफी ज्यादा सही रहते हैं इस तरह के कलर्स. सो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो. जस्ट ह्यूमिड वेदर को छोड़कर आप इसको हर वेदर में वेयर कर सकते हो एंड अगर आप इसको परचेज करें तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. नाउ नेक्स्ट अप, आई हैव दिस टाइप ऑफ कुर्ता सेट. तो ये मुझे काफी ज्यादा अफोर्डेबल दिख रहा था, 350 समवेयर अराउंड था, पूरा कुर्ता सेट था तो मैंने सोचा चलो मैं इसको खरीद लेती हूँ. इस तरह से इसका कुर्ता है, ये रेयन फैब्रिक में है, प्रिंट्स फेड नहीं होंगे क्योंकि इसके प्रिंट्स मुझे ऐसे देखकर लग ही रहा है कि ये प्रिंट्स फेड नहीं होंगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये सेल्फ प्रिंट्स हैं एंड राउंड नेक लाइन मिलती है, की होल है एंड यहाँ पर हुक मिल जाता है एंड ये 3/4 ये फुल स्ट्रेट कुर्ता है, साइड स्लिट के साथ आता है एंड यस मेरी हाइट 5'2" है, उसके अकॉर्डिंग ही आप सारी कुर्तीज एंड कुर्ता सेट्स इसकी जो लेंथ है वो मेरे ऊपर आप देख सकते हो. सो 5'2" के अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर सकते हो कि मेरे ऊपर कितना लंबा हो रहा है. सो देख लेना आप. नाउ मैं आपको वेयर करके ही दिखा देती हूँ. सो गाइस, यू कैन सी दिस, ये काफी अमेजिंग लगता है पहनने पर, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, प्रिंट्स भी मुझे नहीं लग रहा है फेड होंगे क्योंकि सेल्फ प्रिंट टाइप में लग रहा है थोड़ा बहुत. एंड ये जो है ना रेयन फैब्रिक है जो कि कंफर्टेबल है समर्स के अकॉर्डिंग, राउंड नेक लाइन मिलती है एंड यहाँ पर की होल है एंड डिटेलिंग मिल जाएगी, एक बटन अटैच्ड है जो कि ओपनेबल है. 3/4 काइंड ऑफ स्लीव्स एंड स्लीव्स पर इस तरीके से डिटेलिंग है जो कि इसके बॉटम वेयर की डिटेलिंग है. इसकी लेंथ आप मेरे ऊपर देख लेना, मेरी हाइट 5'2" है. जस्ट इसमें एक ही इशू है, जो इसका बॉटम वेयर है ना वो मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है, इसका जो इलास्टिक दिया है ना वो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है, एकदम फिक्स कंजूसी से इलास्टिक लगाया हुआ है एंड बैठने उठने में भी जो इसका पैंट है ना वो अनकंफर्टेबल है. फिटिंग मुझे सही आया है बट बैठने उठने में अनकंफर्टेबल लग रहा है. सो जस्ट इसमें यही इशू है, अदरवाइज पहनने पर मुझे टाइट नहीं है, जस्ट उठने बैठने के टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है उसमें उन्होंने बिल्कुल भी ढील नहीं दी है कि फिटिंग परफेक्ट आ जाए, मुझे बैठने उठने में दिक्कत ना हो, ये इशू है. इसके अलावा इसमें कोई भी इशू नहीं है. पैरेट ग्रीन कलर है, काफी अच्छा पॉपअप कलर है. इसका जो इलास्टिक है आप देख सकते हो, एक तो इतना सा है, ऊपर से ये स्ट्रेच भी ज्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके आप इसको वेयर कर भी ले रहे हो तो थोड़ा टाइट लग रहा है पहनने पर, उठने बैठने में अनकंफर्टेबल है. सो लेंथ आप मेरे ऊपर देख लेना, मेरी हाइट 5'2" है एंड इसका कलर भी फेड नहीं होगा, ये रेयन फैब्रिक है. नाउ नेक्स्ट अप, आई हैव दिस टाइप ऑफ कुर्ती. तो ये भी पॉलिएस्टर फैब्रिक में है, कुछ इस तरह से मिलती है, बांधनी लुक में है ये.
स्ट्रेट कुर्ता है, साइड स्लिट के साथ आता है, 3/4 स्लीव्स। नाउ मैं आपको वेयर करके ही दिखा दी, यू कैन सी दिस। ये भी काफी अमेजिंग लग रहा है पहनने में, एंड इसका जो प्रिंट है ना वो बांधनी प्रिंट है जो कि कभी भी फेड नहीं होगा क्योंकि ये पॉलिएस्टर फैब्रिक है। तो जब मैंने इसको खरीदा था तो मुझे ऐसा लग रहा था ये रेयॉन फैब्रिक होगा, बट ये पॉलिएस्टर फैब्रिक है। बट मेरे पास पॉलिएस्टर फैब्रिक के काफी सारे कुर्ताज हैं जो मैंने आपके साथ शेयर भी करे हैं, अभी तक मैं वेयर करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगते हैं, एंड समर्स में भी मैं वेयर कर लेती हूँ, इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। जस्ट जब ह्यूमिडिटी होती है तभी आप उसको वेयर नहीं कर सकते, उसके अलावा समर्स में आप इसको इजीली वेयर कर सकते हो। इसका फुल लुक आप देख सकते हो, ट्राई ऑन भी आपको साइड में दिख रहा होगा। इस पर जो प्रिंट्स है ना ये बेज कलर में है, ये राउंड नेक लाइन में है, एंड 2/4 स्लीव्स में मिलता है, साइड स्लिट के साथ आता है क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ता है। एंड फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई कलर खरीदा है क्योंकि मैं इस तरीके के कलर पहनती नहीं हूँ यूजुअली, बट फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करा है एंड अच्छा भी लग रहा है मुझे देखने में। सो ऐसा नहीं है कि कलर्स अच्छे नहीं लगते, जस्ट अपनी चॉइस होती है कि आपको क्या पसंद है। सो मुझे थोड़े लाइट कलर्स ज्यादा पसंद आते हैं एंड ये डार्क है, सो मैंने फर्स्ट टाइम कोई इतना ज्यादा डार्क कलर का, डार्क कलर मेरी फेवरेट है, जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू इस तरह की, एंड वैसे लाइट कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं, बट ये रेड्स एंड पिंक्स में मैं ज्यादा जाती नहीं हूँ। सो फर्स्ट टाइम मैंने ये ऑरेंज रेड कुर्ता खरीदा है, आप बताना आपको कैसा लगा, एंड अच्छा तो लग रहा है मुझे पहनने पर। नाउ नेक्स्ट अप आई हैव दिस टाइप ऑफ कुर्ती, सो ये आप देख सकते हो, ये मैंने वेयर करी हुई है, जस्ट ये एक क्यूनिक कुर्ती है जिसको मैंने वेयर करा हुआ है। सो मैंने इसको चिकन करी समझ कर खरीदा था, बट ये चिकन करी नहीं है, जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो पास ये जो थ्रेड वर्क है ना, ये पूरा शाइनी थ्रेड का कोई वर्क करा हुआ है। 3/4 स्लीव्स हैं जिसमें आपको इस तरह से पूरा सेम वर्क मिल जाता है। इसमें एक ही इशू है कि इसमें ये जो डोरी प्रोवाइडेड है ना ये वाइट कलर की है, जिससे ये अलग से दिखती है, दैट्स वाई मुझे पसंद नहीं आई। अदरवाइज इसका यहाँ से लुक इतना अमेजिंग आता है। बचपन में मेरे पास एक टॉप था ब्लैक कलर का जिस पर इसी तरीके से वर्क था, ये भी मुझे काफी अच्छा लगा अगर इसमें ये डोरी ना होती, एंड ये आपको ए लाइन में मिलता है। सो मैंने इसको एज अ ट्यूनिक खरीदा है, इसको मैंने एक ट्राउजर के साथ वेयर करा है जिससे ये ज्यादा गैप ना दिखे, अदरवाइज इसका लुक और ज्यादा बेकार आने लगता है। इस तरह तो फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, आप इसके साथ लो वेस्ट जीन्स पहनते हो तो इस तरीके से ये डोरी दिखती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पर इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है, सो पूरी में एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। इसका जो फैब्रिक है ना नेट का वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा फाइन है, चुभ नहीं रहा है मुझे पहनने में। इतने में आपको लाइनिंग मिलती है, नीचे से आपको पूरा ट्रांसपेरेंट मिलता है एंड यहाँ पर आपको लाइनिंग मिल जाती है। फुल लुक कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो, जब मैं इसको हाई वेस्ट में पहनती हूँ तब फिर भी थोड़ा ठीक लगता है क्योंकि ये जो थ्रेड है ना ज़्यादा चमकता नहीं है। सो आप बताओ आपको कैसा लगा, मुझे तो ये जो थ्रेड है ना, ये जो डोरी है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आप बताओ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। एंड इसके अलावा इस कुर्ती में मुझे कोई भी खराबी नहीं लगी, आप इसको शॉर्ट कुर्ती की तरह भी वेयर कर सकते हो, ट्राई ऑन भी आपको साइड में दिख रहा होगा। सो गाइज ओवरऑल ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, जस्ट इतना लुक मुझे अच्छा लगता है, नीचे से मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, बट मैंने फिर भी रख लिया, मैंने सोचा चलो ठीक है इतना तो पहन ही लूंगी मैं इसको कि पैसे वसूल हो जाए। सो गाइज दैट्स ऑल, इस वीडियो में मैंने आपके साथ यही कुर्ती शेयर करी, एंड जो भी साइजेस थे मैं बीच बीच में मैंशन कर दूंगी क्योंकि मैं बताना भूल गई हूँ। सारे प्राइजेस साइजेस एंड ट्रायंस आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, सो आप चेक कर सकते हो। एंड आपको ये हॉल वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड नेक्स्ट हॉल वीडियो आपको कौन सा देखना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।